मैंने महाभारत में पढ़ा था कि व्यास देव के अरनी से व्यास देव का जन्म हुआ, और भागवतम में लिखा है कि एक तोता व्यास देव के पत्नी के मुंह में जाने से सुखदेव जी का जन्म हुआ, तो इसमें से सच कौन सा है? सुखदेव जी का जन्म, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ ना? सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ, ये प्रश्न है। आप में से कितने लोग सुखदेव गोस्वामी जी को जानते हैं? बहुत कम। कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? बैठ जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी जी जो है श्रील व्यास जी के पुत्र थे, और उन्होंने ही श्रीमद् भागवत सुनाया। सुखदेव जी के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी माता जी के गर्भ में थे और 16 साल तक बाहर ही नहीं निकले, 16 साल तक माँ के गर्भ में ही रहे। क्यों? व्यास जी गए, बहुत चिंतित थे कि मेरा पुत्र 16 साल हो गए बाहर क्यों नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के पास गए, प्रभु सुखदेव बाहर क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा बाहर निकल ही नहीं रहा है। भगवान कृष्ण बोले, मेरी माया से डर रहा है कि बाहर आते ही मेरी माया उसको पकड़ लेगी, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा है। व्यास जी बोले, समाधान क्या है? बोले, जाके उसको कान में बोलो कि मेरी माया उसको नहीं पकड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गारंटी दिया है कि माया, उनकी माया तुमको नहीं पकड़ेगी। व्यास जी आए, जैसे ही बोले, भगवान कृष्ण ने कहा है उनकी माया तुमको नहीं पकड़ेगी, जैसे ही सब बोला, तुरंत सुखदेव जी निकले, गर्भ से बाहर आए, और बाहर आते ही 16 साल के यंग पुरुष बन गए सीधे, और तुरंत घर से भागे। पिताजी बोले, एक तो 16 साल के बाद जन्म लिया और भागने लगा, घर छोड़ के भाग रहा है, बोला माया है यहां। व्यास जी पीछे पीछे भागे, और इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ। आप ही भागोगे? हरे कृष्ण।